सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन प्रांगण से श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में 29 मार्च को निकाली जा रही विशाल श्री राम नवमी शोभा यात्रा को भव्य रूप प्रदान करने हेतु संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। संपर्क अभियान की टीम में शामिल रमन शर्मा, अश्विनी शर्मा, सौरभ शर्मा और मुनीश शर्मा ने श्री राम मंदिर न्यू रसीला नगर फेज 2 दानिशमंदा जालंधर के बलदेव राज चौहान, महेश सोडी, सतनाम अरोड़ा, सतपाल बिट्टू, राकेश बबलू, हरबंस लाल अरोड़ा, राजीव लूथर, अमित खिंदर, शिव शर्मा, जनकराज, पंडित मोहन, कृष्णलाल, सविता, शकुंतला, शाबिया बांसल, निर्मल, संतोष, कुसुम, उषा रानी, आशु मेहरा, कांता सोनिक से संपर्क साधकर उन्हें प्रचार सामग्री भेंट कर असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों समेत इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किए। इस दौरान मंदिर प्रबंधक कमेटी के बलदेव राज चौहान व सभी सदस्यों ने संपर्क अभियान की टीम को यह विश्वास दिलाया कि वे असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों सहित इस शोभा यात्रा में भाग लेकर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। आज बहुत ही भाग्यशाली दिन है कि पिछले 3 साल तो जो कोविड की वजह जेतला मंदिर तो शोभा यात्रा निकलती थी रामनवमी की या जन्माष्टमी की या भोले शंकर जी की, वो पिछले 2-3 साल तो बंद सी। तो मैं समझना कि साढ़े वास्ते बहुत ही सनातन वास्ते बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर है जो कि इसी रामनवमी के उपर इन फिर प्रारंभ कर रहे हैं, जिदे जेतला मंदिर तो ही सारा कार्यक्रम चलेगा। उतों ही सारिया झांकियाँ सारे नगर की परिक्रमा करते हुए जेतला मंदिर जाके ही वो समाप्ति होगी, विश्राम होगा। उस सानू इन्होंने मान बख्शा सारे बच्चे दानशमंदर न्यू चीला नगर के श्री राम मंदिर जो कि श्री राम जन्म उत्सव कमेटी के प्रयास के नाल भगवान की कृपा के नाल ये स्थान साडा बनया और अज इस स्थान के बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि साड़ी इस कलोनी नू साड़ी बस्ती नू साड़ी समाज नू एक बहुत ही अच्छा स्थान मिले और श्रद्धा भावना के नाल सब लोग इत्थे आउंदे ने। यह भी बधाई के पात्र ने क्योंकि इन्हों तो बगैर कोई भी धर्म धार्मिक स्थान हो जिसे संगत नहीं होंगी वो स्थान इन्ने जल्दी एडवेस्ट नहीं होंगे। तो ये बड़ी बड़ी साड़ी कह लो कमजोरी है, उन्होंने अच्छे ढंग के नाल ही बना के रखना चाहिए। तो असी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि साड़ी संगत जिनी है वो बहुत ही श्रद्धावान है और सारे ही इस मंदिर में बहुत प्यार करते हैं। और मैं आए हुए देवता मंदिर तो जोड़े सारे साथी आए हैं रमन शर्मा जी, संजीव जी, बाकी सारे लोग, मैं उन्होंने सेवाओं से बहुत बहुत धन्यवाद करना जिन्होंने अपना कीमती टाइम कट के साढ़े नाल संपर्क किया। और मैं इस सारे उपलक्ष्य में शीतल जिंजनवी और रजेश जी ने मैं लख लख बधाई देना कि इन्होंने काफ़ी देर के बाद जो उपराला किया है परमात्मा उन्होंने कामयाबी दे मिले और इस तरह की समाज की सेवा रल मिल के सारे कर रही है। परमात्मा सब तक मेरे पर हाथ रखे और सब तंदुरुस्ती देवे और सारे ही अपने जो जीवन का लक्ष्य है साड़ा ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਜੋ ਦੀਪਕਲਾ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜੈ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਸਾਡੇ ਦੀਪਕਲਾ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਛ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਝਾਂਕੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਰਾਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ 6 ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਔਰ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਪਾਠ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੁੰਮ ਆ ਕੇ ਆਉਣ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਟੀਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ।